नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहित सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन की। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस उत्तराखंड सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और अब कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर 60 सालों तक राज किया है और 60 सालों में एक ही काम किया है उन्होंने, वो किया है देश के अंदर तुष्टीकरण और घोटाले और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की जननी कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। घोटालों की जननी कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। देश को गर्त में ले जाने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। मोदी जी के आने के बाद देश का कल्चर बदला है, देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई है, देश के अंदर एक नया कार्य व्यवहार लोगों में आया है और आज जो ईडी जैसी संस्थाएं हैं, सीबीआई जैसी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं कांग्रेस के समय में उसका दुरुपयोग करती थी, कुछ लोगों को फंसाती थी, लेकिन अगर आज निष्पक्षता से ये संस्थाएं काम कर रही हैं, अगर कोई इसमें नहीं है, गलत नहीं है, तो उसके साथ निश्चित रूप से निष्पक्षता से काम होगा। अगर कोई गलत नहीं है तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को खुर्द-पुर्द कर दिया है और इसका सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण है कि गरीब का खाने का आटा, छाछ, दूध में भी जीएसटी लग गया है। और हम कतई कांग्रेस के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गरीब के ऊपर टैक्स लगाए जाए और मोदी और शाह, अडानी और अंबानी जैसे सेठों के कर्ज माफ करे। गरीब को लूट कर अमीरों की तिजोरी भरने की जो इनकी कार्रवाई है, उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। घर में बैठे हुए भाई बहन जो बेरोजगार हैं, उनकी दिक्कतों को देखते हुए आंदोलन है। अग्निपथ योजना के तहत भारत को कमजोर करने की जो बीजेपी की साजिश है, उसके विरोध में यह प्रदर्शन है। और बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार के विरोध में यह प्रदर्शन है। जिस तरीके से नियुक्तियों में घोटाले हो रहे हैं, उसको देखते हुए प्रदर्शन है। स्वास्थ्य में हमारी बहनें मरी, 800 से ज्यादा बहनें इन 4 साल में मर गई हैं बच्चा देने में, उसके विरोध में प्रदर्शन है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, उसको देखते हुए प्रदर्शन है। खबर हरिद्वार से है, जहां कुछ बदमाशों ने एक सराफा कारोबारी से 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। हालांकि पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले मुख्य आरोपी प्रदीप चौहान समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 26 जुलाई को कारोबारी के ऊपर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन वह बच गया था। उसकी रात्रि को देर शाम को एक घटना हुई थी कि जिसमें एक प्रतिष्ठित जो यहाँ पर ज्वेलर हैं, उनके ऊपर फायर किया गया था जबकि वो अपनी 2-व्हीलर पर जा रहे थे। और उसके अगले दिन फिर इनको एक फ़ोन आता है जिसमें कि इनसे एक हैवी अमाउंट की फिरौती की इसमें मांग की गई थी और एक कुख्यात का नाम जिसमें लिया गया था जो कि जेल में निरुद्ध है। चूँकि इनके यहाँ पहले भी एक डकैती की घटना हो चुकी थी और काफ़ी उसके जो अभियुक्त थे वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, तो इसमें पुलिस के सामने कई एंगल थे। चूँकि इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो काफ़ी शातिर टाइप का व्यक्ति है, हाईली एजुकेटेड है और पहले बैंक वगैरह में काम कर चुका है और जेल में भी रह चुका है, तो वो सारी जो ट्रिक्स होती हैं उससे परिचित था। तो पुलिस के सामने एक निश्चित रूप से चुनौती थी, तो सारे एंगल्स पर पुलिस ने काम किया। जितने भी उस गैंग से जुड़े हुए सदस्य थे जो पहले जेल गए, उनके बारे में छानबीन की गई। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां अमृत महोत्सव को लेकर आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह की 98 महिला मिलकर खादी राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रही है। वहीं इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों एवं विद्यालयों समेत सभी प्रधान संगठनों से हर घर तिरंगा अभियान में सहयोग करने की अपील की है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हर घर तिरंगा अभियान की मुहिम चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार 13 तारीख से लेकर 15 तारीख अगस्त 2022 के बीच में हर घर में तिरंगा यानी ध्वजारोहण किया जाना है। मुहिम से प्रयास यह है कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से जुड़ें और मैं भी अपील करता हूं सभी हमारे
जनपद के नागरिकों से कि वे हर घर तिरंगा अभियान में प्रतिभाग करें। मामला ऋषिकेश से है, जहां जीएसटी में संशोधन की मांग को लेकर आक्रोशित होटल व्यवसायियों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी भेजा गया। बता दें कि होटल में 1000 रुपए से कम किराए का कमरा लेने पर 12% और महंगे कमरों पर 18% जीएसटी देने का नियम सरकार ने लागू किया है। 1000 से नीचे होटलों पे जीएसटी लगाया गया, वो बहुत ही परेशानी भरा काम है, क्योंकि हम अगर किसी को 500 रुपये में कमरा देते हैं तो हमें उसमें 60 रुपये वसूल करके सरकार को देने, तो हमें क्या बचेगा, हम सरकार को क्या देंगे। छोटे छोटे जो ठहरने वाले आते हैं मरीजों के साथ, उनको बड़ी तकलीफ होगी इस टैक्स को देने, और हम जेब से भर नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ ये कि हमने जो वित्त जो हमारे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उनको भी ज्ञापन दिया था जिसमें हमने साफ साफ लिखा है, ये एक उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो 20 लाख तक व्यापार जो व्यापारी करता है वो जीएसटी के दायरे में आ जाता है। हरियाणा में नहीं आता है, यूपी में 40 लाख वाला आता है, हरियाणा में 40 लाख, चंडीगढ़ में 40 लाख वाला आता है और दिल्ली में 40 लाख वाला आता है। तो ऑलरेडी जब हम जीएसटी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं सरकार को, तो हम पे ये टूरिज्म प्लेस पर इस तरह का टैक्स लगाना ये नाजायज़ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो यूपी के पीलीभीत से है। लगातार शासन के आदेश के बावजूद अवैध रूप से बसों और अन्य वाहनों का संचालन किया जा रहा है, जहां पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की मिलीभगत से अवैध वसूली की जा रही है। इसे लेकर मैजिक यूनियन के समस्त ड्राइवरों ने आज जिलाधिकारी पुलकित खरे से लिखित शिकायत दर्ज की है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।